रिबा उल्ला राबा रिखा राबा रक्तम। आज की सुबह चिंताओं में फंसे हुए हैं पिता, उनके जीवन के रास्ते बंद नजर आ रहे हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना है। हर एक बोझ को तूने खत्म कर दिया है पिता, इस को भी महामारी को छू ना पाए पिता परमेश्वर। सहित इन कान पे पिता परमेश्वर हम क्लेम करते हैं, इन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर सबको तू चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, अपने लहू से धो कर शुद्ध पवित्र किया, इस बात के लिए धन्यवाद। ये चाहे घर प्रभु मसीह के मधुरों मीठना समाज साथियों पाश्चात्य प्रचार को जय मसीह कहता हूँ, हालेलुया। सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना। इस प्रार्थना में घर परिवार जो बीमार पड़े उनके लिए, सभी समस्याओं के बीमारियों के लिए, दिन भर आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को देखिए और इसको अपने जीवन में, अपने घर में रिसीव कीजिए, अंगीकार कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर और मेरे जीवन के लिए की जा रही है। कह रहा हूँ प्रभु आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा, हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। तो आज हम देखते हैं भजन संहिता 91 के उसके 3 पद से। तो वहाँ पर लिखा है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, ना तू रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरीज से जो अंधेरे फैलती है, और ना उस महारोगी से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आ सकेगा, हालेलुया। मेरे पियो, कैसे भी महामारी हो, कैसे भी बीमारी हो, आप प्रभु के वचन पे क्लेम कीजिए, अंगीकार कीजिए कि ये जो वचन है वो मेरे लिए कही गई है। अंगीकार से ही अधिकार की बढ़ोतरी होती है और अधिकार से ही विजय मिलती है। इसलिए आप इन वचनों को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए, बार 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 हर रोज सुबह शाम इस वचन को अपने घर में पढ़िए और दूसरों को भी बताइए कि ये वचन आप घर में अध्ययन कीजिए हर रोज। प्रभु वहाँ कार्य करेगी मेरे पियो, वहाँ पास कोई भी महामारी आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि जीवतों का वचन है ये परमेश्वर का वचन है, सदा काल तक ना मिटने वाला ये परमेश्वर का वचन है। इस पे हम विश्वास कर सकते हैं, इसे हमें अंगीकार करना है। मैंने कहा ना, अंगीकार से ही अधिकार की बढ़ोतरी होती है, अधिकार जब हम करेंगे तो हम उस पे विजय प्राप्त करेंगे, हालेलुया। तो ये वचन जो भजन संहिता, परमेश्वर हमारा रक्षक है, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिले आप इसको घर में अध्ययन कीजिए, प्रभु का कार्य वहाँ कार्य करेगा, हालेलुया। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में भेजिए, हम हमारी मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। विश्वास के साथ देखिए प्रार्थना को, सभी मसीह ग्रुप फेसबुक शेयर किए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। विश्वास के साथ देखिए प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। हब रिबा उल्ला रबा रिखा रबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी, रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इन सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर, रात सुन रहे दिया एक नया दिन दिखाए, जूतों के भी तुमने हम सबको जीवित रखा, इस बात के लिए हम धन्यवाद है मेरे पियो। समस्याएं चाहे आपके जीवन में कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपके विपरीत ही क्यों ना हो, आपके समय आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमको जीवतों के बीच जीवित रखा। आज दिन ऐसा बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन हम को प्रभु ने जीवित रखा इसलिए कि हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि जो जीवित है वही उसका धन्यवाद कर सकते हैं, जो मर गए हैं, जो कब्र पड़ गए हैं, वो उसका धन्यवाद नहीं दे सकते। हाँ जीवित है वही उसका धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर दिन के लिए पिता, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, तूने हमको जीवतों के बीच जीवित रखा। सारा आदर और महिमा प्रसन्नित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो प्रार्थना को देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता, इन सब के लिए हम बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए खुदावन। जो पिता परमेश्वर आज की सुबह चिंताओं में फंसे हुए हैं पिता, उनके जीवन के रास्ते बंद नजर आ रहे हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना कर
करते हैं, हर एक बंद रास्ते को हम तेरे नाम से खोलते हैं पिता परमेश्वर। जो चिंता करने वाली बातें हैं पिता, उन बातों को हम इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। हर एक चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से घर से हम निकाल फेंकते हैं। जो बोझ से दबे हुए हैं पिता, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बोझ को तूने खत्म कर दिया है पिता, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। दिन भर कार्य में अगुवाई करने में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं तू आशीष प्रदान कर पिता। घर में कार्य करने में सहायता कर, एहतराम में सुरक्षा प्रदान कर पिता परमेश्वर। प्रभु जहाँ कहीं भी जाते हैं इनको तू दे आशीष प्रदान कर पिता। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता। ऑफिस में कार्य करने में सहायता कर, एहतराम में सुरक्षा प्रदान कर पिता। अपने पंखों तरह छुप पाए रख पिता, को भी महामारी इनको छू न पाए पिता परमेश्वर। भवन संहिता इन कान पर पिता परमेश्वर हम क्लेम करते हैं सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। तू हमारा रक्षक है प्रभु जी, हम तेरे पंखों की आड़ में छुप जाएंगे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता इन आशीष वचन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, इन सबको सहायता प्रदान कर पिता। और पंखों तरह छुपाए रख पिता, दिन भर जहाँ कार्य करने जाते हैं पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं। जो भाई बहन पिता आज की सुबह प्रभु जी बीमार पड़े हैं पिता, वो कई दिनों कई महीनों से बीमार है पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक बीमारियों को हम इनके जीवन झिड़काते हैं, भगाते हैं और आज़ादी की घोषणा करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चल रहे पिता, वो जगहों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बीमार पड़े हैं उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे पियो आइए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ है, घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ गिड़ाते हुए उससे प्रार्थना कीजिए। अपने पापों की क्षमा उससे मांगते, उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, उसके वचनों पे चलने के लिए वादा कीजिए और विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मर में चिल्लाया है तो आप निश्चित आशीष चंगाई छुटकारा को प्राप्त करेंगे पिता। हम इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन सबको तू चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र किया, इस बात के लिए धन्यवाद। ये चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो पिता, ये जहां भी रख कर प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, उस जगह में तो कार्य करने जारण कर चुका है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए प्रभु जी। इन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। तूने आशीष दे दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता। शादी कई साल बीत चुके हैं, बच्चे के नहीं मिल पाई है पिता, वो हर जगह थक चुके हैं, उनके अंदर एक शोक की, एक दुख की आत्मा कार्य कर रही है पिता। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे पियो, आप जीतों के परमेश्वर के पास आए हैं, आपका दुख, आपका जो शोक है वह आनंद बदल जाएगा जब आप उसके वचन को अध्ययन करेंगे, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे। आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ाएगी। विश्वास के साथ उससे प्रार्थना कीजिए। 2020 में प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देने जा रहे हैं। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। इन सबको तू आशीष दिया, धन्यवाद। जो पिता परमेश्वर भारत देश में हमारी है पिता, हाँ प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम की महिमा भारत देश में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। भारत देश को उस महामारी से हम आज़ादी की घोषणा करते हैं पिता। यीशु के लहू में जला के शून्य करते हैं पिता परमेश्वर। तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। जो उस महामारी से बीमार पड़े हैं पिता, उनको हम चंगाई की घोषणा करते हैं खुदावन। उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हमको चंगाई की घोषणा करते हैं। जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जहाँ भी रह कार्य करते, नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। उन सब बीमारियों से पिता, हर एक बीमारियों से, हर एक रोगों से उन सबको बचाए रख पिता, पवित्र छुपाए रख पिता। और जहाँ भी रहते, नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए पिता, हर एक समस्याओं को हम उनके जीवन से, उनके घर से हम निकाल फेंकते हैं। वो समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो तुझसे बड़ी नहीं हो सकती पिता। उन सभी समस्याओं को उनके जीवन से हम झिड़काते हैं, भगाते हैं और आज़ादी की घोषणा करते हैं। तूने ऐसा कर दिया पिता, धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो तेरे कार्य, तेरे प्रचार के लिए पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर भेंट, दान, दशमांश भेजे हैं पिता। उन सबको तू आशीष प्रदान कर। इनके खत्ते हमेशा भर रहे प्रभु जी। जो जितना भेजते हैं पिता, जितना बोझ बीज बोते हैं पिता, उतना नहीं बल्कि 100 गुण के जो तू आशीष उड़ने जा रहा है वह हम दे चुका है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो इनके बंद रास्ते हैं पिता, उसको तेरे नाम से हम खोलते हैं। मेरे पियो, प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है, उसके बड़े बड़े लोगों तक पहुँचाती है। भेंट आपके बंद रास्ते को खोलता है।
आपके हर एक बोझों को दूर करता है। जो आप प्रभु के लिए कार्य करते हैं, जब आप दशमांश देते हैं, आपके आशीषों जो आपके आएगी उससे अलग अलग भिन्न प्रकार के आशीष आपके जीवन में निकलते जाएंगे। उससे अलग अलग रास्ते बनते जाएंगे, अलग अलग आपको उसमें आशीष प्रदान होगी। ये पिता इन सब को तुवास प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन चर्च जमीन के लिए पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज को बोए हैं, मैं प्रभु का वचन कहता हूं जो प्रभु का भवन बनाएगा प्रभु यीशु मसीह उसके घर को बनाएगा। पिता जितने भाई बहन शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार पिता भेंट भेजे हैं पिता चर्च जमीन के लिए पिता, उन सबको आशीष प्रदान कर पिता। उनके पिता परमेश्वर बंद रास्ते को तूने खोल दिया, धन्यवाद पिता। इनके दिल को पिता, इनके मन को तूने खोला इस बात के लिए धन्यवाद। जो भेजने वाले हैं पिता उनको भेजने में सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना करते धन्यवाद के साथ रे चरणों उपस्थित होते हैं पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर तेरे पास आए हैं अपने बोझ को लेकर पिता। ओ कोई भी समस्याएं क्यों ना हो पिता इनके जीवन में, हम उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम उनको दिन के जीवन छिड़काते हैं, भगाते हैं और आज़ादी की घोषणा करते हैं पिता। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर जिस घर में चेहरे उस घर के चावों बांधते जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। दिन कार्य में अगुवाई करने में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं इनको तू आशीष प्रदान कर, सुरक्षाओं से भरपूर रख पिता। दिन भर छुपाए रख पिता, हर एक रोगों से हर एक महामारियों से इनको तू बचाए रख पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना करते हो। ब्लेसिंग के साथ सुरक्षाओं से भरपूर तूने घर को पहुंचा शाम को पिता, धन्यवाद देते हैं। बहुत से लोग बीमार पड़े हैं, आज जाएंगे पिता हॉस्पिटल बीमारी चेकअप के लिए, हॉस्पिटल जाएं से पहले बीमारी शरीर से निकल जाए, हर रिपोर्ट तेरे नाम से नौ माने पाए। प्रार्थना सुन धन्यवाद प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम यीशु नाम मांगते सुन दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए, और जितने भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना को क्लेम किए हैं प्रभु उनके जीवन में आशीष चंगाई छुटकारा को लेकर आया है। हालेलुया। जितने भाई बहन प्रभु का इस प्रचार के लिए अपने हाथ को बढ़ाकर भेंट भेजे प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस मिले। जितने भाई बहन चर्च जमीन के लिए अपने हाथ को बढ़ाए हैं अभी तक प्रभु आप सबको आशीष दे, और जो भाई बहन भेजने वाले हैं प्रार्थना पूर्वक प्रभु को उपस्थिति में बैठकर प्रभु के अगुवाई में आप हमें भेज, ताकि प्रभु की आशीष आपके जीवन में प्रकट हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।